तो सब्जेक्टिव असाइनमेंट नंबर थ्री, ठीक, क्वेश्चन नंबर फाइव। तो इसके अंदर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 7x-1 का होल स्क्वायर डीएक्स। मैंने सिखाया था कि यहां पर आप इसे ऊपर ले जाएं तो पावर रूल लगा दें। पावर रूल इसलिए अलाउड है क्योंकि यहां पर x की डिग्री 1 है, अगर x की डिग्री 2 होती तो पावर रूल अलाउड नहीं था। तो हम इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 7x-1 होल रेज टू पावर -2 dx, और पावर रूल में 7x-1 होल रेज टू पावर -1/-1 इंटू d/dx ऑफ 7x-1। तो इसको ओपन करेंगे तो डिफरेंशिएशन तो आप कर ही लेंगे, डिनोमिनेटर में 7 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7th, क्वेश्चन नंबर 8th, 9th, 9th कैसे हो गया आपसे, साइन स्क्वायर एक्स नहीं हुआ, नहीं हो सकता, किसी का हुआ, ओके। कितने लोगों ने ऐसे किया 9th, चलो वेरीफाई कर लो हुआ कि नहीं हुआ, कितने लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किया इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। देखो एक बात को पहले समझ लो, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स में फर्क है। साइन एक्स स्क्वायर में एक्स की पावर 2 है, एंगल की पावर 2 है, साइन स्क्वायर एक्स में साइन एक्स का होल स्क्वायर है। तो कितने लोगों ने इसको ऐसे किया, साइन एक्स का होल स्क्वायर है ये, तो साइन एक्स की पावर 1 इंक्रीज कर दी 3 डिवाइडेड बाय 3 d/dx ऑफ साइन एक्स। कितने लोगों ने ऐसे किया, एक ने भी नहीं किया, क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में पावर रूल नहीं चलता, सिखाया था ना मैंने, ट्रिग्नोमेट्री में पावर रूल नहीं चलेगा, तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, ये गलत है, ठीक है। अब दूसरा तरीका, फिर आपने फॉर्मूला के लिस्ट चेक की होगी कि शायद मैंने कोई फॉर्मूला तो नहीं करवा दिया, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, सीकेंट स्क्वायर एक्स का, टेंस सब करवाया, साइन स्क्वायर नहीं करवाया, ठीक। तो साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करने के लिए आप यहां पर नोट करें मैथ्स के कुछ फॉर्मूलाज हैं, एक फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार यूज भी होता है, तो आप नोट कर सकते हैं, मैथ्स का फॉर्मूला है कॉस ऑफ 2x का फॉर्मूला है, कॉस ऑफ 2x ट्वाइस द एंगल ऑफ x, इसका फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक तो ये फॉर्मूला आपने याद करना है, कॉस ऑफ 2x इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये पहला फॉर्मूला लिखें। ठीक है यहां तक। दूसरा, इसको अगर हम मॉडिफाई करें, कॉस ऑफ 2x विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स को लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या बनेगा, कॉस ऑफ 2x इज इक्वल टू 1-2 साइन स्क्वायर एक्स, या 2 साइन स्क्वायर एक्स इज 1-cos(2x), या फिर साइन स्क्वायर एक्स इज 1-cos(2x) डिवाइडेड बाय 2। ये नेक्स्ट फॉर्मूला आपने याद करना है, याद करना है याद कर लो, इसको मॉडिफाई करना है मॉडिफाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। मैंने ये याद किया हुआ है, इसको मॉडिफाई करके मैं बना सकता हूं, आप सीधा कर सकते हो, आप सीधा कर लो। तो दूसरा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1-cos(2x/2)। ठीक है यहां तक, क्लियर है। इसको यूज कैसे करना है भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, क्योंकि कॉस ऑफ 2x कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कॉस 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1-cos(2x), तो क्या बनेगा, कॉस ऑफ 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1+cos(2x), तो कॉस ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, या 2
cos square x is equal to 1 plus cos of 2x और cos square x का फॉर्मूला तैयार हो गया 1 plus cos of 2x divided by 2. आपने सीधा याद करना है, आप सीधा भी याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आज के बाद अगर sin square x या cos square x का फॉर्मूला पूछूं तो आप cos 2x के फॉर्म में ये दे सकते हैं आंसर. आपने नोट कर लें, जब रिक्वायरमेंट होगी कभी, बहुत कम होती है वैसे, तो मैं इसे रेफर करूंगा, इसे रेफर कर दूंगा. ठीक, जैसे क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स पे क्वेश्चन है तो एक काम करते हैं, ठीक, तो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स. एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस करते हैं किससे, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2 dx. हाफ कॉन्स्टेंट बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच गया, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x dx, इसकी इंटीग्रेशन ये बच गई. ठीक है, तो ये आपके पास इसकी इंटीग्रेशन आ गई, हाफ कॉन्स्टेंट रहने दो बाहर. नेक्स्ट है हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 2x dx, ये लो. ठीक, 1 बाय 2 एक 1 dx की इंटीग्रेशन x है और cos 2x की क्या है, cos की क्या थी, sin x, तो यहां पर क्या आएगा, sin ऑफ 2x डिवाइडेड बाय d बाय dx ऑफ 2x, तो यहां पर d बाय dx ऑफ 2x तो सीधा 2 आ जाएगा आंसर. आंसर मतलब मेन चीज इसमें इंटीग्रेशन नहीं थी, मेन चीज थी कि कैसे हम sin स्क्वायर x को कन्वर्ट करते हैं cos 2x में, उस फॉर्म में करेंगे जो फॉर्मूला हमने ऑलरेडी किया हुआ है. क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो ऐसी अगर मान लो इंटीग्रेशन आ जाती है cos square x dx की, तो हम फॉर्मूले में क्या पुट करेंगे, 1 plus cos 2x by 2. तो इस तरीके से इंटीग्रेशन के sin square x और cos square x का फॉर्मूला यूज होगा. इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10, कितने लोगों को डाउट है, क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x plus cos x divided by cos x dx, ये क्वेश्चन है. आपने शायद इंटीग्रेशन करते हुए सोचा तो एक बार होगा कि डिफरेंशिएशन में हमने d by dx of u plus v भी किया, u minus v भी किया, u into v भी किया, u upon v भी किया, पर इंटीग्रेशन में हमने ये तो किया कि अगर दो टर्म्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, पर ये मैंने आपको नहीं करवाया और ना ही मैंने आपको ये करवाया, तो ये नहीं मैंने करवाया, ये तो होता ही नहीं. पहली बात मैथ्स में इसका फॉर्मूला होता है, मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला होता है, प्लस टू के अंदर मैथ्स के टीचर करवाते हैं, हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने करवाया नहीं. पर हाँ ये होता है, यू इन टू भी काफ़ी बड़ा फॉर्मूला होता है, वो हमने करना नहीं है. ठीक है यहाँ तक. अब प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर ऐसा लग रहा है कि जैसे दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हैं और हमने डिवीजन का रूल तो किया नहीं इंटीग्रेशन में, कोई बात नहीं, डिवीजन का फॉर्मूला लगेगा भी नहीं, आप सिंप्लीफिकेशन का रूल लगाओ. सिंप्लीफिकेशन का रूल क्या है कि
कि साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स डी एक्स, तो ये क्या बन गया, टेन एक्स प्लस वन डी एक्स। इसको अगर हम ओपन करें तो इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स, टेन एक्स की चेक करो इंटीग्रेशन क्या है, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स, अपने फॉर्मूले की लिस्ट में चेक करोगे तो लॉग ऑफ सीकेंट एक्स, और ये क्या है एक्स आंसर। सिंप्लीफिकेशन करनी है तो आपने अपनी इंटीग्रेशन उस फॉर्म में ले आनी है जिसका फॉर्मूला मैंने आपको करवाया हुआ है। तो अगर उस फॉर्म में नहीं आ रही तो फिर आपको सिंप्लीफिकेशन ही करनी पड़ेगी और उस फॉर्म में लेके आनी पड़ेगी जो फॉर्मूला लिस्ट आपके पास है। आप अपने कोई फॉर्मूला और नहीं बना सकते, फॉर्मूला लिस्ट के हिसाब से काम करेंगे, ठीक है यहां तक, तो सिंप्लीफिकेशन ही बेस्ट तरीका है। ट्वेल्व हो गया, ट्वेल्व में डाउट है, कितनों का ट्वेल्थ हो गया, क्या किया, कितने लोगों ने लॉग लगाया, लॉग लगाया, कितने लोगों ने रैशनलाइज किया, तो लॉग लगाया तो सारा गलत हो गया, लॉग तो लगेगा ही नहीं। देखो काफी लोगों ने लॉग लगाया एक्चुअली, अब लॉग क्यों नहीं लगेगा, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, और देखो आप में से कोई स्टूडेंट ऐसे भी सोच सकता है। मैंने एक स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा कि तू साइन एक्स डी एक्स की मुझे इंटीग्रेशन बता, क्या आंसर है, माइनस कॉस एक्स, ठीक हो गया, डन। वो कहता है नहीं, माइनस कॉस एक्स नहीं है, साइन एक्स को लिखूंगा वन अपॉन कोसेकेंट एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते हैं वन अपॉन समथिंग तो आपने सिखाया था लॉग होता है, तो ये लो आंसर इज लॉग ऑफ कोसेकेंट एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय डी बाय डी एक्स ऑफ कोसेकेंट एक्स। फिर ऐसे होने लग गया ना अगर, फिर तो हर चीज में काम करो, उसको वन बाई समथिंग की फॉर्म में ले आओ, फिर लॉग लगाने शुरू हो, हर में लॉग आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर लॉग नहीं लगता, बात ही खत्म। ट्रिग्नोमेट्री में वन बाय समथिंग अगर आ जाता है तो लॉग नहीं लगता, बात ही खत्म हो गई। चलो तो यानी कि लॉग का तो सोचने ही नहीं, जहां वन अपॉन समथिंग में ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है, ठीक हो गया। चलो केस ही क्लोज कर दिया, रूल ही बना दिया। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स डी एक्स। एक काम क्यों नहीं करते, वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स को पहले रैशनलाइज कर लो, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लो, क्योंकि यू अपॉन वी का फॉर्मूला तो हमने किया ही नहीं है। तो मेरे पास आएगा वन माइनस साइन एक्स, वन माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस साइन एक्स इंटू वन माइनस साइन एक्स, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो वन माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, इसको और सिंप्लीफाई करो, वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या हुआ, सीकेंट स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर को दो बार लिखो कॉस इंटू कॉस, तो साइन बाई कॉस क्या होगा, टेन एक्स इंटू सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है, सिंप्लीफाई करके क्या आया, क्योंकि वन बाई कॉस स्क्वायर तो सीकेंट स्क्वायर एक्स है, साइन अपॉन कॉस इज टेन और वन बाई कॉस इज सीकेंट। तो एक काम करते हैं, इसकी सिंप्लीफिकेशन हमने कर ली तो हम इंटीग्रेशन इसकी करेंगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स इंटू सीकेंट एक्स डी एक्स। इसको ब्रेक कर लेंगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस टेन एक्स इंटू सीकेंट एक्स डी एक्स, क्या ही पॉइंट क्लियर है। अब फॉर्मूले के लिस्ट में चेक करो, सीकेंट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या करवाया था, टेन एक्स चेक करो, तो इसका आंसर टेन एक्स। एक फॉर्मूला मैं मिस कर गया, आप फॉर्मूले के लिस्ट में एक फॉर्मूला नोट करो, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटू सीकेंट एक्स इज जस्ट सीकेंट एक्स। तो प्लीज ये फॉर्मूला नोट करो, क्योंकि अदरवाइज तो ये कर नहीं पाओगे। ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटू सीकेंट एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू सीकेंट एक्स। तो ये फॉर्मूले की लिस्ट में ऐड करो और सीधा क्या लिखेंगे यहां पर, सीकेंट एक्स, ठीक है यहां तक।
तो एक फॉर्मूला मिस हो गया मुझसे, तो ये फॉर्मूला अगर पता हो तो इसका आंसर भी आ जाएगा। डन। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। इतनी बड़ी इंटीग्रेशंस और इस टाइप की इंटीग्रेशंस यूज नहीं होती, तो इसलिए इतना घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, असाइनमेंट में प्रैक्टिस करवा दी बात अलग है, बट ऐसा प्रैक्टिकली यूज नहीं होती। प्रैक्टिकली कैसे यूज होती है मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा थोड़ी देर में, अभी कि किस टाइप के क्वेश्चन यूज होते हैं आपको समझ में आएगा। अभी तो चलो जो है क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट इसका, टेन स्क्वायर एक्स। कितने लोगों ने इसमें पावर रूल लगाया, टेन क्यूब एक्स बाई थ्री? नहीं, नहीं लगाया, इतना समझ गए आप पावर नहीं चलेगी। कितनों ने और कोई तरीका किया, क्या किया? हाँ, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन कर लो, बिल्कुल ठीक। तो इसको आसान कर लो, क्योंकि मैंने आपको टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स तो करवाया ही नहीं, लेकिन मैंने आपको सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये तो पता है आपको। तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? टेन एक्स, और इसका क्या होता है? एक्स। डन, क्लोज। क्या ये पॉइंट क्लियर है?